आईना फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 वाराणसी के पराड़कर स्मृति भवन सभागार में कलाकारों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान आईना फिल्म एंटरटेनमेंट के निर्माता सुमित स्वामी सिंह ने दिया। उन्होंने कलाकारों को संबोधित करते हुए उन्हें अवार्ड दिया। इस अवार्ड शो में सभी छोटे बड़े कलाकार, बनारस जिले और उसके आसपास के कलाकार शामिल हुए। हिंदी भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर स्वामी सुमित सिंह ने कहा कि उनकी वेब सीरीज स्वामी धूम मचाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो भी फिल्म बनाते हैं वो परिवार और बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर देखी जा सकती है। आज आईना फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है जो हमारे समाज में उभरते हुए कलाकार जो जिनके अंदर एक बेहतर कला है, जिन्हें किसी न किसी कारण से वह अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उन्हें उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने यह अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है। कलाकार कलाकार होता है, वो भोजपुरी हो, ट्रॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या कोई भी हो, वो थिएटर आर्टिस्ट हो, वो कलाकार है। वो अपनी कला का प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में कर सकता है। हम कलाकार को सम्मानित कर रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति को नहीं, जो बॉलीवुड से हो या ट्रॉलीवुड से हो या हॉलीवुड से, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन सर, जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो अवार्ड को इसको क्या अवार्ड फंक्शन करते हैं। हाँ, सब कुछ बदल रहा है जी। उस हिसाब से हम सबको भी बदलना चाहिए। जहाँ तक लोग पहचान करके सेलिब्रिटी बुलाते हैं या किसी भी फंक्शन में सांसद, विधायक या मंत्री को बुलाते हैं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया। इस प्रोग्राम के सांसद भी हमारे सभी जो यहाँ आए हुए कलाकार हैं, वो खुद यहाँ के मंत्री भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के सेलिब्रिटी भी हैं। हम उनका सम्मान कर रहे हैं और समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, ये भी जल्द ही बदलेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि आप सिर्फ कलाकार को यहाँ पे बुलाया है अवार्ड देने के लिए, बिल्कुल ना कि किसी इंडस्ट्री के लोग। हाँ, मैंने कला के क्षेत्र में और एक कलाकार को सम्मानित किया है, चाहे वो नया कलाकार हो या पुराना कलाकार हो, सब कलाकारों का सम्मान बराबर है। तो सर, क्या आपको लगता है कि आपके इस आज तक कोई भी मुकाम हमारे देश को हासिल हुआ है तो उसमें कोई ना कोई एक ही व्यक्ति ने पहल किया और धीरे धीरे वो सक्सेस हुआ, तो शायद मेरी भी पहल सक्सेस हो। चलिए, हमारी आईना फिल्म एंटरटेनमेंट के द्वारा इस बार स्वामी के नाम से एक वेब सीरीज आ रही है जो हमारे समाज के हमारे समाज में किस तरीके से लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा। इस नए चेहरों को आप ज़्यादा लॉन्च करते हैं? हाँ, नए चेहरों को लॉन्च। जो अभी स्ट्रगल में है उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? उनके लिए जैसा समय होता है उस तरीके से मैं उनको मौका देने का भरसक प्रयास करता हूँ। और ग्रामीण जो होते हैं, ग्रामीण इलाकों से भी आपने लड़कों को इसलिए चयन किया है, लड़कियों लड़कियों? हमारे पास जो लड़के आते हैं या जिनके फ़ोन कॉल्स आते हैं या जो हमें व्हाट्सएप करते हैं, ऐसे लोगों से हम बात कर पाते हैं और जो उनके लायक अगर जगह है, स्थान है, तो उन्हें जरूर हम प्रदान करते हैं। सुमित जी, एक मोस्ट और अहम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो फिल्में वगैरह जो बनती हैं, वेब सीरीज वगैरह जो आप बना रहे हैं, इसमें कोई ना कोई एक सामाजिक कुरीति को लेकर आप सामने आते हैं, तो इस फिल्म में क्या ऐसी खासियत है? इस फिल्म में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे पहले आपने आश्रम देखा है जी, उस आश्रम में दिखाया गया है कि आश्रम में जो आश्रम के बाबा होते हैं वो लोगों के साथ गलत करते हैं जी। ये कहाँ तक सच है? सर, जो माहौल है उसके हिसाब से तो कह सकते हैं। नहीं कह सकते। आज 10 साल बाद किसी ने आपसे यह कह दिया कि मेरा इन्होंने शोषण किया, आप उस चीज को मान लेते हैं जी, तो वो 10 सेकंड उसको कहां गया जो पहले उसने शोषण करवाया था। लेकिन सर, इसमें अगर सारी हकीकत और सारी घटनाओं पे हम ध्यान दें जी, तो हकीकत निकल के ये सामने आएगी कि सामने वाली महिला गलत थी, ना कि वो आश्रम वाला बाबा गलत था जी। तो हम उस चीज को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम उस चीज को लोगों के सामने प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि वास्तविक रूप से सच्चाई क्या थी। बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद सर।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।